भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में कुल 10 नाम घोषित किए गए हैं, जिसमें यूपी की मैनपुरी, इलाहाबाद, गाजीपुर समेत कई अहम सीटें शामिल हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। इस सूची में कुल 10 नाम घोषित किए गए हैं, जिनमें यूपी की मैनपुरी, गाजीपुर समेत कई अहम सीटें शामिल हैं। भाजपा ने अपनी नई लिस्ट में यूपी से 7 नामों का ऐलान किया है। इसके तहत मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर उम्मीदवार होंगे, जिसका मुकाबला सपा के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल से होगा। कौशाम्बी लोकसभा सीट से विनोद सोनकर चुनाव लड़ेंगे। फूलपुर से पार्टी ने कुर्मी समुदाय के नेता प्रवीण पटेल को मौका दिया है। ये फैसला अहम है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कुर्मी और मौर्य समुदाय की अच्छी आबादी है। इलाहाबाद सीट से भाजपा ने नीरज त्रिपाठी को मौका दिया है, जो ब्राह्मण चेहरे हैं। अब तक यहां से रीता बहुगोड़ा जोशी सांसद थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया। पार्टी ने बलिया से नीरज शेखर, मछली शहर से बीपी सरोज और गाजीपुर से पारसनाथ राय को उतारा है। इस तरह भाजपा ने यूपी से 7 नए नाम घोषित किए हैं, लेकिन अब भी कैसरगंज, रायबरेली जैसी चर्चित सीटों पर उम्मीदवार के नाम तय नहीं हुए हैं। आगे सुनिए खबर। कैसरगंज सीट से भाजपा के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, जबकि रायबरेली में शायद पार्टी इंतजार के मूड में है। भाजपा चाहती है कि पहले देख लिया जाए कि रायबरेली में कांग्रेस की ओर से किसे कैंडिडेट बनाया जाता है, उसके बाद ही फिर उम्मीदवार तय किया जाएगा। जिले की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे ने सपा से बगावत कर दी थी और राज्यसभा चुनाव में समर्थन किया था। माना जा रहा है कि भाजपा की तरफ से अब उन्हें ही लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। भाजपा ने चंडीगढ़ की लोकसभा सीट से इस बार संजय टंडन को टिकट दिया है। अब तक यहां से बॉलीवुड की सेलिब्रिटी किरण खेर सांसद थीं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला है। इसके कयास से पहले से ही लगाए जा रहे हैं। इस लिस्ट में बंगाल की आसनसोल सीट से एसएस एलुबालिया का नाम भी शामिल है। इस सीट से पहले भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उनके नाम पर विवाद हुआ तो खुद ही टिकट लौटा दिया। अब पार्टी ने उनके पुराने चेहरों को यहां से उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।